नमस्कार, साधना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेशु त्यागी। आज के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की रांची रैली की, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। बीजेपी के नेता और सभी कार्यकर्ता रैली को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हैं, तो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां रैली की सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे और मेटल डिटेक्टर लगा चुकी हैं। इसी पर पेश है हमारा खास कार्यक्रम मोदी की दस्तक, जिस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ रांची से खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम मोदी की दस्तक की। तो बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की 29 दिसंबर को रांची में रैली होने जा रही है, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रैली में आने वाली दिक्कत ना हो, इसके लिए झारखंड सरकार ने खास इंतजाम किए हुए हैं। नरेंद्र मोदी की रैली के लिए सजने लगा धुरवा मैदान, प्रशासन ने की पूरी तैयारी। 2000 सुरक्षा कर्मी रैली की सुरक्षा में हुए तैनात। जी हां, 29 दिसंबर को नरेंद्र मोदी रांची आने वाले हैं। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी रांची स्थित धुरवा मैदान में लोगों को संबोधित करने वाले हैं। मोदी की विजय संकल्प रैली में इस बार कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर विशेष सावधानियां बरती जा रही हैं। जिला प्रशासन ने रैली स्थल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 2000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। आतंकियों पर नजर रखने के लिए मैदान के कोने कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। असामान्य गतिविधियों के टोह लेने के लिए 4 वॉच टावर भी बनाए गए हैं। हर एक जो एंट्री गेट्स हैं उस पर डीएफएमडी और सिक्योरिटी के कैमराज लगाए जा रहे हैं। इन सभी सिक्योरिटी कैमराज से हमारे जो पुलिस कंट्रोल रूम है उससे हर एक छोटी से छोटी हरकत पर नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा जो वेन्यू है इसमें कुछ वॉच टावर्स भी हमने लगाए हैं एलिवेटेड पोजिशन से क्राउड की हरकतों पर नज़र रखने के लिए। रैली में आने वाले लोगों के लिए 8 गेट बनाए गए हैं और प्रशासन का कहना है कि प्रत्येक गेट पर मेटल डिटेक्टर से चेकअप के बाद ही किसी को भी अंदर आने की इजाजत दी जाएगी। वहीं एयरपोर्ट से धुरवा मैदान तक के एरिया पर भी पुलिस 24 घंटे निगरानी रखे हुए है। हम लोगों ने ज्वाइंट ऑर्डर निकाल दिया है सभा स्थल के आसपास की सुरक्षा, विभिन्न राज्यों के जो जिलों से लोग आएंगे वो किस रूट को लेके आएंगे सभी कुछ निर्धारित है, कहाँ उनकी गाड़ियाँ पार्किंग होगी वो सभी कुछ डिसाइड कर दिया गया है। इसके अलावा एक जो बड़ा बदलाव अभी जो आया है कि जो नरेंद्र मोदी जी जो है जो हमारा एयरपोर्ट है वहाँ सभा स्थल में भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से आएंगे, तो उसके अनुसार भी जो थोड़ी बहुत चेंजेस हम लोग करनी है कर देंगे। आज 3 बजे हम लोगों ने सारे पुलिस अधिकारियों को बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक नमो के मंच तक पहुंचने के कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। बहरहाल पुलिस का तो काम है दावे करना। जिन आरोपियों ने पटना ब्लास्ट को अंजाम दिया था सारे रांची के ही रहने वाले थे। ऐसे में देखना यह है कि सुरक्षा से समझौता ना करने की बात बोलने वाली झारखंड पुलिस इस रैली को आतंकी घटनाओं से कैसे दूर रख पाती है। साधना न्यूज के लिए रांची से मुकेश की रिपोर्ट। और हमारे इस खास कार्यक्रम में खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा आज हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। बहुत धन्यवाद। मुंडा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, कल रैली होने वाली है, नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, ऐसे में क्या खास तैयारी आपकी तरफ से की गई है? देखिए, रैली के लिए भारी उत्साह है लोगों में, इसलिए जनता उमड़ करके इस रैली में भाग लेने के लिए चल चुकी है। अभी तक लगभग 20,000 लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और भारी संख्या में लोग रात में ही चल रहे हैं सभा के लिए। बहुत उत्सुकता है और जहाँ तक रांची जहाँ सभा हो रही है वहाँ की तैयारी भी पूरी की जा चुकी है। सारे
मंच वगैरह तैयार हो चुके हैं, आवागमन की सारी व्यवस्था हो चुकी है, प्रशासनिक तंत्र भी अपनी पूरी तैयारी मुस्तैदी के साथ कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल की सभा ऐतिहासिक होगी और भारी उत्साह के साथ ये सभा में लोग आएंगे। जी, कल की जो सभा है वो ऐतिहासिक होगी, इसके लिए पिछले काफ़ी समय से जो बीजेपी है वो जगह जगह निमंत्रण भी दे रही है, आप खुद निमंत्रण देने के लिए लोगों को गए हुए थे। आपसे जानना चाहूँगी कि कितनी उम्मीद जताई जा रही है, कितने लोग जो हैं वो पहुँच पाएंगे कल? भारी संख्या में लोग पहुँचेंगे, अप्रत्याशित भीड़ होगी और मुझे ऐसा लगता है कि इसके पहले भी इस तरह की सभा नहीं हुई होगी और इसके बाद भी करना संभव नहीं होगा, ऐसा इतिहास बनेगा। मुंडा जी, इसके साथ ही आपसे एक सवाल यहाँ पर करना चाहूँगी कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी की रैली में ब्लास्ट हुआ था पटना में, ऐसे में जो झारखंड सरकार ने यहाँ पर सुविधाएं दी हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? क्या भरोसा है झारखंड सरकार ने जितनी भी सुरक्षा नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर यहाँ पर दी है कल के लिए, क्या लगता है आपको? देखिए, सरकार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो प्रशासनिक पदाधिकारी इस कार्य के लिए लगे हैं, मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी मुस्तैदी के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में और काफ़ी तत्परता दिख रही है और मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यवस्था की गई है उसमें इस बात की पूरी चिंता की गई है कि सभा में सारे लोग आए, सहजता के साथ आए और लोग सभा में भाग ले, और वैसे तत्वों पर निगरानी रखने के लिए प्रशासन ने भी बहुत तैयारी की है। मैं समझता हूँ कि सभा में बहुत अच्छी व्यवस्था होगी और उसका बहुत अच्छा लाभ लोगों को मिलेगा। जी, यहाँ पर सभा में अच्छी व्यवस्था होगी, लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा, ये कहना आपका है, झारखंड सरकार की भी यहाँ पर आपने बात की। आपसे इसके साथ ये भी जानना चाहूँगी कि बीजेपी ने क्या कुछ सुरक्षा के इंतज़ाम किए हैं, बीजेपी की तरफ से क्या सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं? देखिए, बीजेपी की तरफ से तो हम पूरे राज्य के नागरिकों को आह्वान किया है, निमंत्रण दिया है आने के लिए, और सभा स्थल में अपने तरफ से भी हमने निगरानी रखने की कोशिश की है, जगह जगह पर कैमरा लगे हुए हैं और उसके क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है, और मैं समझता हूँ कि ये सूचना भी लोगों को है कि, और उत्साह भी है कि चाहे लोग जितने भी कोशिश करें, लेकिन जनता की जो एक आत्मविश्वास है वो आत्मविश्वास में किसी तरह की कमी नहीं होगी और लोग इसी विश्वास के साथ आ रहे हैं। मुंडा जी, यहाँ पर एक सवाल और मेरा आपसे है कि अगर बात की जाए जिस तरह से नरेंद्र मोदी की रैली में ब्लास्ट हुआ था पटना में, और पटना ब्लास्ट का जो आरोपी है इम्तियाज़, पता चला है कि उसके घर पर भी निमंत्रण भेजा गया है, खासतौर पर जो सेठियों गांव के लोग हैं उनको निमंत्रण यहाँ पर भेजा गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, पूरे झारखंड के लोगों को आमंत्रित किया गया है और मैं समझता हूँ कि जो इस तरह के मंसूबे को लेकर के काम करते हैं, प्रशासनिक तंत्र उसको देखेगा और उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसी चीज़ों को सख्ती से रोके, लेकिन हमारा लोकतंत्र का जो तकाजा है उसके अनुसार हमने निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखते हुए कोशिश किया है कि हमारी सभा अच्छी हो, आम जनता का विश्वास बढ़े और जो वातावरण इस समय है उस वातावरण जो निराशा का वातावरण है उससे राज्य की जनता, देश की जनता निकल सके। जहाँ तक उस गांव का विषय है, उस गांव के लोग, हो सकता है किसी घर के लोग, कोई व्यक्ति इस तरह से किसी घटना में शामिल हो और उसका इस तरह का गतिविधियां हो, लेकिन गांव के लोग जो हैं वो ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। गांव के लोग या आवाम जो होती है, जो राज्य की जनता होती है, वो अमन चैन के साथ राज्य का विकास चाहती है, और मैं समझता हूं कि यही कारण है कि कुछ लोगों ने उस गांव में जा कर के लोगों से कहा है जी। लेकिन वैसे तत्व को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कभी भी
कभी भी जिसे हम ये कहें कि किसी तरीके से टॉलरेट ये नहीं करेंगे कि देश को, समाज को, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों का के साथ हमारा लगातार क्योंकि हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, राष्ट्रीय विचारधारा से काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को किसी भी हालत से हम बर्दाश्त नहीं करते। हम चाहते हैं कि राज्य देश शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़े और उसमें हम सबको आह्वान करते हैं। चलिए, तो मोदी की दस्तक को लेकर आगे भी आपसे चर्चा हम यहाँ पर जारी रखेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।